ओके मैंने इससे पहले आपको बताया था बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर आप यहाँ पर देखो, हमने फाइंड करा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम वेक्टर, जो कि हमारा आया था इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ फिलहाल। एम वेक्टर वी हैड फाइंड आउट एन ई एच अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देख रहे हो तो वो एन टाइम्स होगा ई एच अपॉन 4 पाई एम ई के। तो अगर एन एन इक्वल टू 1 हो जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इट विल बी ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। ठीक है, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई, तो इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और ये आती, इसकी वैल्यू कितनी आती है जब आप ये सब वैल्यू पुट करोगे तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आएगी 9.27 × 10^-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट में देखोगे या फोर्थ ऑर्बिट में देखोगे, थर्ड ऑर्बिट में देखोगे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो वो 9.27 × 10^-24 के हमेशा एन टाइम्स होगा। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं ना, चार्ज हमेशा एन टाइम्स होता है ई के, चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है ई मल्टीपल ऑफ ई के। एन यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी, एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर होता है। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट का, एनथ ऑर्बिट का, अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना चाहते हो तो वो बराबर होगा एन टाइम्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन देखो, दो टर्म हमने आज यूज करे हैं, एक तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम, ई अपॉन 2 ME। और यहां पर मैंने आपको बताया बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट पर है, या कह लो कि एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, 9.27 × 10^-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो किसी भी ऑर्बिट में अब अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो बस बोर मैग्नेटोन की मल्टीप्लाई कर दो एन में। एन क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, जैसे अगर सेकंड में देख रहे हो तो इट विल बी 2 × 9.27 × 10^-24। तो ये फायदा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है तो एन की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए बोर मैग्नेटोन में। और बहुत सी बार तो हो सकता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू क्या होती है। सो दीज टू टर्म्स वी हैव डिस्कस टुडे। पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करा। फिर उसी फॉर्मूले से हमने ड्राइव करा एक रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, और वहां से हमने देखा कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिवाइड करोगे एंगुलर मोमेंटम से तो वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा ई अपॉन 2 ME के। ठीक है, और फिर यहीं से हमने एल को एन एच अपॉन 2 पाई के टर्म में लिखा। तो यहां से हमने प्रूव किया, ये हमने फाइंड किया कि जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी ऑर्बिट में आप ऑब्जर्व करोगे सो इट विल बी एन टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। तो ये दो टर्म सबको क्लियर है, बोर मैग्नेटोन एंड इससे पहले जो हमने कवर किया था जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ओके, यस सर। तो ये चीजें आप और लिख लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू उसी टॉपिक पर जो आज हमने कवर किया है।
रिटर्न एवरीवन, सिर्फ आपको इधर जो मैंने लिखा है वो अभी करना है। यस सर। ओके देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसी में आपके सब टॉपिक हो गए जैरो मैग्नेटिक रेसो एंड बोर मैग्नेटोन। हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बट जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन दोस टॉपिक विच वी हैव कवर टुडे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आपको पॉसिबल लग रहा है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 Harshita have given the answer. So according to Harshita, she think answer is A. Okay. Anyone else? आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन पढ़ करके देखो। हमने काफी फॉर्मूले कर लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, बट फॉर्मूले पढ़ करके हमें पता चले, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि क्या फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जब रेडियस और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, इसको यूज करो। निहाल चौधरी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, वेरी गुड निहाल। मास करंट इनटू एरिया, रिया कटारिया का भी ऑप्शन ए है। करंट इनटू एरिया मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बेटे मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी है तो 1/T को फ्रीक्वेंसी लिख लो, पाई आर स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी को एफ बोलो या न्यू बोलो क्या दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख लो, ठीक है। क्यू न्यू आर और क्यू की वैल्यू कितनी, ई ई न्यू पाई आर स्क्वायर, ई न्यू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुहानी का भी ऑप्शन ए था और अमन तोमर का भी, वेरी गुड एवरीवन। तो देखो मैं आपको इसलिए आपको काफी सारे मैंने आपको फॉर्मूले बताए ताकि आप क्वेश्चंस को देख करके आपको पता लग जाए कि आपको ड्राइव क्या करना है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर 9 भी, पहले 9 कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 चलिए, इफ नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, एरिया दिया हुआ है ए, करंट दे रखा है, देन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन आई है, हर्षिता सही है, एन इंटू आई इंटू एरिया, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, बस फॉर्मूला बताना, अर्षिता का आंसर आ चुका है, डी।
डी आपको भी लग रहा है। देखो फॉर्मूला क्या था, करंट इनटू एरिया, इसको अप्लाई कर लो, करंट कितना, चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया, चार्ज टाइम टू पाई आर, वेलोसिटी ऊपर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक तो क्यू वी आर अपॉन टू आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्यू वी आर अपॉन टू। तो देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर्मूले भी काफी बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके तो और किसने आंसर दिया था, सुहानी और अमन तोमर, सही आंसर है बेटा आपका भी। तो इस टॉपिक